नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। मुद्दे की बात में आगे बात का जिक्र करते हैं। आवारा कुत्तों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। मामले देश में लगातार अलग अलग हिस्से से सामने आ रहे हैं और इस बार उत्तर प्रदेश के कई जिलों से कुत्तों के आतंक की एक घटना सामने आई, जिनमें से एक संभल की है। 3 साल के बच्चे को आवारा कुत्तों के झुंड ने दबोच लिया और इतना ही नहीं, राजधानी लखनऊ में पालतू कुत्ते ने महिला को तो काटा ही, साथ में उसके पालतू कुत्तों को भी काटकर घायल कर दिया। और इतना ही नहीं, रायबरेली से भी मामला सामने आया, जहां पर आवारा कुत्तों का आतंक इस कदर बढ़ गया है कि वृद्ध महिला पर आवारा कुत्ते ने हमला कर दिया। और अमरोहा से भी घटना सामने आ रही है, जहाँ पर आदमखोर कुत्तों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। जहां एक पड़ोसी ने प्रतिबंधित पिटबुल कुत्ते को सड़क पर छोड़ दिया। पिटबुल ने 2 वर्षीय मासूम को नोच नोच कर लहूलुहान कर दिया। हालत नाजुक देखकर स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। और दूसरा मामला गजरौला से सामने आ रहा है। खाद गुर्जर गांव का है, जहां पर आवारा गौवंश पशु को आवारा कुत्तों ने नोच नोच कर लहूलुहान कर दिया। लगातार इन मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है और ये घटनाएं तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो फिलहाल जगह जगह से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, आवारा कुत्तों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, एक महिला को आवारा कुत्ते ने अस्पताल पहुंचा दिया, अब इलाज जारी है। और यहां पर काट कर कुत्ते ने लहूलुहान कर दिया। लगातार देखा जाए तो आवारा कुत्तों का आतंक जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। शिरभ चौधरी संवाददाता अमरोहा से जुड़े हुए हैं, साथ ही मनीष अवस्थी रायबरेली से जुड़े हुए हैं संवाददाता। अमरोहा से भी घटना सामने आई, शिरभ चौधरी का रुख कर लेते हैं। शिरभ, लगातार देखने को मिल रहा है आवारा कुत्तों पर लगाम नहीं लगाई जा रही है, अनम्यूट करिएगा। जी बिल्कुल, बता दूं कि अमरोहा में लगातार जो कुत्तों का हमला जो है, इसमें लगातार जो घटनाएं सामने आ रही हैं, ये कुत्तों के काटने के जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। जो सीएमओ सत्यपाल सिंह हैं, उन्होंने जानकारी देते हुए बताया है कि रोज कोई ना कोई जो है जो कुत्ते के काटे का है वो इलाज कराने जो है आ रहा है सरकारी अस्पताल में। और आज जो सुबह की घटना है वो ये है कि गजरौला में एक जो है आवारा गोवंश जो होते हैं उनको कुत्ते के एक झुंड ने हमला कर दिया और उसे लहूलुहान कर दिया। ऐसे में जो वहां पे जो प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने जो है सूचना दी और अधिकारियों को भी सूचना दी और जो है वहां पे जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को भी सूचना। और ऐसे ही एक मामला जो पिछले एक हफ्ते पहले आया था वो अमरोहा का आया था। एक लड़की जो कि 8 साल की थी, उसे एक कुत्तों के झुंड ने जो है अपना शिकार बनाने की कोशिश करी थी, उसे नोचा भी था। और ऐसे में जो है कुछ लोगों ने उसे बमुश्किल तमाम उसकी जान छुटाई थी और उसे भर्ती भी कराया था अस्पताल में। और ऐसे तमाम मामले जो है वो अमरोहा से निकल कर सामने आ रहे हैं। लेकिन अगर इस पे बात की जाए प्रशासनिक अधिकारियों की, तो अभी तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। बिल्कुल शीरब, जिस तरीके से घटनाएं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, और अक्सर जब घटना सामने आती है तो जिम्मेदार यही बोलते हैं कि इसमें अभियान चलाया जाएगा और अभियान के तहत ये पकड़े जाएंगे आवारा कुत्ते, और लेकिन ऐसा फिलहाल होता हुआ नजर नहीं आता। और यही वजह है कि इस लापरवाही का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है, इन बच्चों को, इन मासूमों को, और साथ ही जिस तरीके से बड़े, क्योंकि लगातार ये घटनाएं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। मनीष अवस्थी का रुख कर लेते हैं, रायबरेली से जुड़े हुए हैं संवाददाता। मनीष, रायबरेली में भी क्या कुत्तों का आतंक जारी है? बिल्कुल सोनी, बात करें तो जिस तरह से कुत्तों के आतंक से जो लोग हैं, चाहे वो वृद्ध महिलाएं हो चाहे बच्चे हो, सब अब लगातार अस्पताल पहुंचना शुरू हो गए हैं। अगर बात करें तो हाल ही में एक भदोखा थाना क्षेत्र का सैदनपुर गांव पड़ता है, वहां पर एक महिला, बुजुर्ग महिला थी जो कि खेतों में काम कर रही थी, आवारा कुत्ते ने उस पर अटैक कर दिया, उस पर जो है कई ऐसे जख्म दिए जिससे उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और जहां उसका इलाज भी चल रहा है। तो अब लगातार जो आवारा कुत्ते हैं इनके आतंक से स्कूल जाने के लिए जो बच्चे हैं
छात्र हैं वो परेशान हो गए हैं, उनके अभिभावक हाथ में डंडा लेकर अपने बच्चों को स्कूल पहुंचा रहे हैं, लेकिन डंडा लेने के साथ साथ सोनी उनको जो है भय रहता है, कुत्तों का डर रहता है कि कहीं ना कहीं से कुत्ते कहीं अटैक ना कर दे। तो जिस तरह का कुत्तों का आतंक देखने को रायबरेली में भी मिला है, तो ये एक बड़ा सवाल है कि यहाँ के प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए और जो आवारा कुत्ते हैं इन पर कोई ना कोई लगाम लगानी चाहिए। बिल्कुल, ये मामले रायबरेली से एक पहला मामला नहीं, इससे लगभग आधे दर्जन मामले सामने निकल कर आए हैं, वो चाहे कुत्ते रहे हो चाहे बंदर रहे हो। इस समय बंदरों का भी आतंक रायबरेली में वर्चस्व पर है और बंदर कई लोगों को भी घायल कर चुके हैं, लेकिन अभी तक चाहे वो वन विभाग रहा हो वो और चाहे अगर ये कुत्ते वाली बात सामने निकल के जो अब आ रही है लगातार, इस पर भी नगर निगम तो नगर पालिका है वो भी अभी तक इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। थोड़ी इस पर ध्यान प्रशासन को देना चाहिए, जिससे स्कूल जाने वाले छात्रों के दिमाग से उनके ध्यान से एक डर निकलकर बाहर आ जाए। थोड़ी बिल्कुल कहते हैं घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही और आवारा कुत्तों की जद में कब कोई आ जाए इसका अंदाजा नहीं, और इसी का भय भी अब बना हुआ है, देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से अमरोहा रायबरेली यानी कि ये कहा जाए उत्तर प्रदेश के कई जिलों से ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, और आखिर क्या वजह है कि प्रशासनिक स्तर पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है? जब भी कोई घटना सामने आती है तब आश्वासन, एक सरकारी आश्वासन दे दिया जाता है कि अभियान के तहत इन आवारा कुत्तों को पकड़ा जाएगा, लेकिन उन पेट कुत्तों का क्या जिन्हें छोड़ दिया जाता है और कई बार उनकी जद में भी लोग आते हैं वो भी काट कर जख्मी कर देते हैं और अस्पताल पहुंचा देते हैं। तो ऐसे इनके जो खिलाफ है 5,000 का जुर्माना लगाए जाने का भी जिक्र किया गया कि अगर कोई पेट छोड़ता है तो उसके मालिक के खिलाफ जुर्माना लगाया जाएगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन बावजूद इसके ये मामले नहीं थम रहे। शिवा का रुख कर लेते हैं, शिवा शर्मा भी लखनऊ से जुड़ चुके हैं। शिवा, उत्तर प्रदेश के कई जिलों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वाकई ये सवाल खड़े कर रही हैं कि आखिर क्यों आवारा कुत्तों पर लगाम नहीं लग पा रही है। देखिए सोनी, लंबे समय से लड़ाई चल रही थी कि जो खतरनाक नस्ल के जो कुत्ते होते हैं जो घरेलू लोग पालते हैं उनको घरेलू बनाते हैं, ऐसे में जब वो कुत्ते जब बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं तो लोगों पर हमला करने लगते हैं। और इस दौरान अभी 2.5 से 3 वर्ष का अगर टेरियर देखेंगे तो आप उत्तर प्रदेश के अंदर कई ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर कुत्ते के काटने से लोगों की मौत हो गई। तो उस कुत्ते की वजह से इंसानी भेदभाव होने लगा है। जो तमाम तरीके की FIR थी वो हमने देखने को मिली। हाल ही में लखनऊ की अगर बात किया तो तकरीबन 2.5 साल पहले एक पिटबुल कुत्ते ने अपनी ही मालकिन को जो कि 58 वर्षीय थी उनको बेरहमी से काट करके उनको मार डाला था। और तमाम तरीके की चीजें लखनऊ के अंदर होती रहती हैं, अदर जिलों में होती रहती है, और केंद्र सरकार पर भी इस पे गंभीर था। पेटा की जो एक बहुत बड़ा योगदान कहा जाएगा, जो पीपल फॉर दी एथनिकल ट्रीटमेंट ऑफ फॉर एनिमल्स है, ये इसने एक बहुत बड़ी पहल की थी। और इसने बहुत साल पहले मिनिस्ट्री को ये कहा था, केंद्र सरकार को, कि जो ऐसी 25 नस्ल के कुत्ते हैं वो भारत के अंदर प्रतिबंधित कर देने चाहिए क्योंकि वो पालने लायक नहीं है। ऐसे में जो उनकी मानसिकता होती है वो जैसे जैसे बड़े होते चले जाते हैं वो खूंखार होते चले जाते हैं। और दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से भी एक पटिशन थी और उसका ही भार कहा जाएगा कि केंद्र सरकार ने परसों एक अपना पत्र जारी किया और भारत में जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है और जो सभी के चीफ सेक्रेटरी है प्रदेशों के, अन्य प्रदेशों के, उनको एक लेटर जारी करते हुए 25 नस्ल के कुत्तों को बैन करने के लिए कहा है। ये भी कहा है कि जिन जिनके यहाँ कुत्ते पले हुए हैं उनका जो ये कहा जाएगा कि उनके प्रतिबंध के लिए उनकी नस्लबंदी का भी कार्यक्रम जो है उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में शुरू किया जाए, उस भी लेटर पर भी एक जोर दिया गया है। अब नगर निगम लखनऊ की तरफ से यह कहा गया है कि जो 25 नस्ल के कुत्ते हैं उनको उनके बैन कर दिया गया है, उन पर किसी भी तरीके की कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन लखनऊ के अंदर 4200 से ज्यादा ऐसे 25 नस्ल के ही कुत्ते हैं जो लखनऊ के अलग अलग घरों में पले हुए। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि अगर वो खतरनाक हो जाए, अगर वो पब्लिक के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हो जाए तो उनका क्या होगा? नगर निगम का कहना है कि फिर से उनकी काउंसलिंग की जाएगी और जो नगर निगम का एक विभाग है पशु चिकित्सा का, उसके द्वारा उनको नस्लबंदी का कार्यक्रम भी किया जाएगा और उनके दोबारा लाइसेंस का जो नवीनीकरण का जो काम है वो तभी होगा जब इसकी नस्लबंदी हो जाएगी।
पहल अच्छी है ये कहा जाए और अभियान भी ऐसे चलाया जाता है कि इन आवारा कुत्तों को पकड़ा जाएगा, लेकिन जमीनी हकीकत आपको भी पता है कि किस तरीके से काम किया जाता है, नगर पालिका नगर निगम की कितनी बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखने को मिलती है। और साथ ही देखा जाए जो एक जनसंख्या वृद्धि हो रही है आवारा कुत्तों का, अगर जिक्र करें यहाँ पर ये भी सवाल उठा था बीच में, कई बार ये भी सवाल उठाए गए कि नसबंदी करा देनी चाहिए ताकि संख्या में इतना इजाफा ना हो, और जब इतना इजाफा नहीं होगा तो यह आवारा कुत्तों का आतंक कुछ हद तक कमी देखने को मिल सकती है। शिवा, देखिए सॉरी, दो चीजें हैं। जो केंद्र सरकार का आदेश निकला है, जो संयुक्त सचिव का आदेश है, वो सिर्फ पालतू कुत्तों के लिए है। अब उसमें किसी भी तरीके का जो बाहरी कुत्ते हैं, जो आवारा कुत्ते कहे जाते हैं, उसमें जिक्र नहीं है, वो एक पैटर्न अलग होता है। हालांकि इसके लिए संपूर्ण जो जिम्मेदारी होती है वो स्थानीय जिले में जो नगर निगम का विभाग होता है, जो नगर पालिकाएं होती है, उनकी जिम्मेदारी होती है कि उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना, और जो कुत्ते खतरनाक हो जाते हैं, जो पब्लिक को डैमेज करने लगते हैं, उनको नुकसान पहुंचाने लगते हैं, उनकी धरपकड़ करके एक उनको अलग जगह पर रखना, उनका एक वेलफेयर हाउस भी होता है जहां पर कुत्तों की ब्रीडिंग होती है, उसकी नस्ल बंदी होती है और उनको रखा जाता है। तो तमाम तरीके जो कार्यक्रम है वो नगर निगम कर जाते हैं, और इसके लिए लाखों सैकड़ों रुपए का जो टेंडर है वो जारी होता है, निजी संस्थाओं को मिलता है, तमाम तरीके की चीजें होती है। तो ऐसे 25 नस्ल के जो कुत्ते हैं जिनको बैन केंद्र सरकार ने किया है, उन पर रोकथाम करने के लिए अब उत्तर प्रदेश की सरकार किस तरीके के कदम उठाएगी, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। क्योंकि लोग ये देखा गया है कि पिछले दिनों में जो मौतें हुई है, बीते 1-1.5 साल की बात कर ले, तो कई से जो लोग हैं जो अपने घरों में कुत्ता जो है बिना लाइसेंस के रखते हैं, छुपा करके रखते हैं, फिर देखा ये जाता है कि बाद में जब वो टहलाने जाते हैं या अपने कुत्ते को खुला छोड़ देते हैं, तो उस दौरान वो हमलावर होकर के या तो किसी की जान लेता है या तो किसी को घायल कर देता है, ऐसे में FIR की प्रक्रिया शुरू होने लगती है। तो एक कुत्तों की वजह से, बेजुबान जानवरों की वजह से जो आदमी के अंदर का जो मनभाव है वो उसमें शंका होती चली जा रही है, उसमें जो है वो लड़ाइयां होती चली जा रही है। तो ऐसी चीजों को कम करने के लिए अब केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला उठाया है। अब उत्तर प्रदेश सरकार या अन्य जो राज्य है, सराहनीय है कि पेट डॉग्स को जो 25 नस्ल के कुत्ते होंगे उनको लेकर ये फैसला सराहनीय है, लेकिन स्ट्रीट डॉग्स जो आवारा कुत्ते हैं उनको लेकर भी शासन स्तर पर जो योजना चलाई गई उसको गंभीरतापूर्ण धरातल पर उतारने की जरूरत, उसके तहत काम करने की जरूरत, और शासन स्तर पर भी इसको लेकर गंभीरता बरतने की जरूरत लगता है अब आन पड़ी है। हालांकि जरूरत तो पहले से थी, लेकिन जिस तरीके से घटनाओं में इजाफा हो रहा है उसको देखते हुए लगता है कि यह लापरवाही का एक नतीजा है जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक से जब वापस लौटेंगे तो और जानकारी साझा करेंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं मुद्दे की बात में, जिक्र आवारा कुत्तों के आतंक को लेकर, और साथ ही जो केंद्र सरकार का फैसला निकलकर सामने आया है, जो पेट डॉग्स होते हैं या जो पालतू जो कुत्ते पाले जाते हैं, 25 नस्ल के ऐसे कुत्ते जिनको प्रतिबंधित किया जाएगा क्योंकि एक वक्त में आके वो खूंखार हो जाते हैं और लोगों की जान पर बनाती है, इसको देखते हुए ये फैसला लिया गया है। लेकिन असल मायने में इस ओर क्या कुछ प्रयास होंगे सरकार के, कितनी गंभीरता बरती जाएगी ये भी देखना होगा, और साथ ही स्ट्रीट डॉग्स जो लगातार लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं, जो जगह जगह से घटनाएं सामने आ रही हैं, ये बड़ा सवाल उठा रही हैं। शीरभ चौधरी हमारे संवाददाता अमरोहा से जुड़े हुए हैं। शीरभ, इसको लेकर कैचिंग जो दस्ता है या जो योजना है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि अभियान चलाया जाता है और ये कुत्तों को पकड़ने का काम किया जाता है, तो इस ओर क्या कोई गंभीरता नजर आ रही है, ऐसा अभियान चलाया जा रहा है? जी बिल्कुल, बता दें ऐसा अभियान कोई चलाया नहीं जाता है, बस कभी जब ऐसा कोई घटना सामने आती है तब तो प्रशासनिक अधिकारी नगर निगम नगर पंचायत की तरफ से ऐसा कुछ देखने को मिलता है, लेकिन इसके बाद में कोई ऐसी जो अभियान जैसी कोई चीज वो देखने को नहीं मिलती है। हालांकि इसकी जरूरत है क्योंकि लगातार इस तरह से जो है बच्चों की जान जाना और जो है बड़े बच्चों की जान जाना, लेकिन और बुजुर्गों की या महिलाओं की इस तरह से जान जाना, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि कहीं ना कहीं शासन स्तर पर ये चीजें सारी जो है वो प्रशासनिक अधिकारियों को जो है दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि इन पे कैसे ना कैसे करके अंकुश लगाया जाए, लेकिन धरातल पर अगर बात की जाए तो ऐसा कुछ होता नहीं है। ऐसे ही जो है आज जो सामने निकल गया है, जो प्रतिबंधित जो ये कुत्ते होते हैं
जो परिवारों में पलते हैं, इनको खोलना। और फिर ऐसा ही एक मामला जो है वो धनोरा के ततारपुर से जो सामने निकल कर आया है, एक 2 साल के बच्चे को जो है वो नोच नोच कर, क्योंकि वो इतने खतरनाक होते हैं जो प्रतिबंधित कुत्ते हैं, कि वो अगर वो छोटा बच्चा तो बहुत आलस की बात है, अगर कोई उसमें बड़ा अगर पूरा जो आदमी है व्यक्ति है उसको भी वो जो है ज्यादा देर नहीं लगने देते हैं और मौत के घाट उतार देते हैं। तो ऐसे में जो जिन लोगों के घरों में परिवारों में ऐसे कुत्ते जो प्रतिबंधित है पलते हैं, उनको लगातार जो है इस चीज पे बहुत ध्यान रखना चाहिए कि कहीं हमारा कुत्ता जो है वो निकलकर किसी पे हमलावर ना हो जाए, किसी को जो है वो जान की क्षति ना पहुंचा दे। यहाँ रही बात प्रशासनिक अधिकारियों की, तो कहीं ना कहीं जब ऐसा मामला आता है तभी ये सारी चीजें दिखाई देती है, अभियान जैसी कोई चीज सामने आती है, लेकिन इसके बाद में वो जो है पुरानी होती चली जाती है और उस पर कोई जो है कार्य देखने को नहीं मिलता। जी बिल्कुल। मनीष अवस्थी का रुख कर लेते हैं रायबरेली का, क्योंकि रायबरेली से भी घटना निकलकर सामने आई है। मनीष, अगर देखा जाए यहाँ का जिला प्रशासन जो है कितना गंभीर है, और साथ ही लोगों की क्या कुछ है प्रतिक्रियाएं इस हादसों को लेकर? बिल्कुल, हम बात करें तो जिस तरह से कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ रहा जाती है, तो प्रशासन तब हरकत में आता है और तब ठोस कदम उठाता है। लेकिन अभी तक किसी भी प्रशासन की ओर से या किसी अधिकारी की ओर से, या चाहे नगर पालिका रही हो या नगर निगम रहा हो, इसकी ओर से अभी कोई ऐसे कदम नहीं उठाए गए हैं कि हमारा कुत्तों को कुछ धरपकड़ शुरू की जाए। लेकिन अगर इस पर कोई धरपकड़ प्रशासन ने या कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की, तो एक दिन बड़ी घटना या किसी की मौत हो सकती है या कोई घायल हो सकता है। घायल तो लगातार हो रहा है और अस्पताल भी पहुंच रहा है। फिलहाल अभी तक भी प्रशासन की नजर इस तरफ नहीं पड़ी है। इस पर प्रशासन को नजर डालनी चाहिए कि आवारा कुत्तों को कैसे ऐसे कुत्तों को बाहर किया जाए, ऐसे कुत्तों को पकड़कर कत्ल किया जाए, या ऐसे कुत्तों को जो इंजेक्शन आते हैं, जो कुछ ऐसे आते हैं जो विषैले कुत्ते होते हैं, उनको इंजेक्शन की सुविधा भी होती है नगर पालिका नगर निगम में। वैसे कोई भी व्यवस्थाएं रायबरेली जिले में नहीं है और ना ही ऐसे आवारा कुत्तों की धरपकड़ के लिए कोई व्यवस्थाएं की जा रही है। तो ऐसे में सवाल जरूर उठता है कि क्या लगातार ऐसे आवारा कुत्ते लोगों को घायल करते रहेंगे या लगातार ऐसे आवारा कुत्तों का जो आतंक है वो चलता रहेगा। ये बड़ा सवाल है सोनी, इस पर प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल, ध्यान देने की जरूरत है, और अगर ध्यान दिया होता तो शायद ये घटनाक्रम में इजाफा नहीं देखने को मिलता। शिवा का रुख करेंगे। शिवा, अगर देखा जाए पहले ऐसी घटनाओं में इतनी ज्यादा तेजी नहीं देखने को मिलती थी, लेकिन वक्त बदला और वक्त के साथ साथ एक परिवर्तन ये कहा जाए इन स्ट्रीट डॉग्स या पेट डॉग्स में भी देखने को मिल रहा है कि ये इतने खूंखार होते जा रहे हैं, इसकी क्या कुछ वजह मानी जाए? साथ ही प्रशासनिक और जिम्मेदारों की तरफ से भी लापरवाही बरती जा रही है, लोगों को अपनी सुरक्षा अब खुद करनी पड़ रही है। बच्चे स्कूल निकलते हैं घर से तो उनके अभिभावक साथ में प्रोटेक्शन के तौर पर जाते हैं कि कहीं कोई डॉग जो है वो अपना निवाला ना बना ले, तो इस तरीके की स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं। देखिए सोनी, इसकी बहुत बड़ी वजह यह भी है कि जब पहले इस तरीके के हमले होते थे तो इस तरीके की कहीं सीसीटीवी सामने नहीं आता था, वीडियो रिकॉर्डिंग सामने नहीं आती थी, तब ये बात सिर्फ महज बातों में ही रह जाती थी और ये कहा जाता था कि हो सकता है कि बच्चे की गलती रही हो, किसी इंसान की गलती रही हो, क्योंकि जानवर यूं ही नहीं भड़कता है। लेकिन जैसे जैसे दौर बदलता गया, समय समय पर सीसीटीवी कैमरे लगते गए, सड़कों से लेकर के बिल्डिंग में और गैलरी में और तमाम जगहों पर सीसीटीवी लगे, जब इस तरीके की अब घटनाएं होती हैं पिछले कई सालों के अंदर हमने देखा, तो उसका जब सीसीटीवी निकाला जाता है तब ये बात सामने आती है कि कोई व्यक्ति चल रहा है या कोई व्यक्ति उस कुत्ते के पास से या उस जानवर के पास से गुजर रहा है और उसने यूं ही हमला कर दिया। तब इस बात की प्रवृत्ति जो है वो इंसानों के मन में आने लगी कि बिना छेड़छाड़ किए, बिना कुत्ते को परेशान किए, कुत्ते हमलावर हो सकते हैं। और इसी के तहत तमाम नगर निगम के अफसरों ने, तमाम केंद्र सरकार के अफसरों ने इस बात को लेकर के चिंता जाहिर की कि जो अलग विदेशी नस्ल है, और विदेशी नस्लों में कई ऐसी नस्लें हैं जो एक बहुत ज्यादा आदमखोर हो जाती है, लोगों के ऊपर हमलावर हो जाती है, ऐसे नस्लों को प्रतिबंध लगाना चाहिए। मैंने फिर से पहले यही चीज कही थी कि पेटा का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि एक कमेटी जो केंद्र सरकार ने बनाई थी और केंद्र सरकार ने कमेटी को एक जिम्मेदारी दी
दी थी कि कई नस्ल के कुत्ते भारत में पाले जाते हैं, देश विदेश से कई कुत्ते लोग ले करके आते हैं, उनको पाला जाता है, तो ऐसे कौन से कुत्ते हैं जो भारत के अंदर प्रतिबंधित होने चाहिए, जिनका बहुत ज़्यादा प्रभाव जो है वो इंसान के ऊपर होने लगा है, जो हमलावर हो रहे हैं, जिनकी वजह से लोगों की मौत हो रही है। तब 25 कुत्तों के ऐसे नाम निकल के आए जिसमें से सबसे ज़्यादा जो है वो पिटबुल देखे गए हैं, रॉटवीलर देखे गए हैं, जो अमेरिकन हस्की है, इस तरीके के तमाम जो कुत्ते हैं उनका नाम सामने आया कि लोग घर के अंदर शौक के वजह से उसको पालते हैं, लेकिन जब उसके घुमाने की जब बारी आती है, तो जब उसको लोग सड़क पर जाते हैं, आबादी वाले एरिया में लेके जाते हैं, तब वो हमलावर होते हैं। तो उनका जो एक रहन सहन है, जो मैनुअल है, उसके हिसाब से वो कुत्ते यहाँ पर पलने लायक नहीं है, ये सरकार ने माना है। उनको वो जिस जगह के हैं, जिस देश के हैं, उनको वही का एटमोसफेयर सूट करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो आम जनमानस है, यहाँ जो पब्लिक है, और खास तौर से जो बच्चे हैं, वो जानवरों को देख करके थोड़ा उत्साहित होते हैं और उसको खेलने का प्रयास करते हैं, तो वो अपने देश के जो कुत्ते हैं, जो देशी नस्ल है, वो उनके साथ ही सूटेबल है। ऐसे कुत्ते जो उनके साथ, जिनके साथ व्यवहारिक रूप से बहुत ज्यादा पास जाना उनके लिए सही नहीं है, उन कुत्तों को नस्ल की नसबंदी के लिए और उनकी जो देखरेख है, उनकी जो पालन पोषण है, उसके लिए ये रोकथाम लगाई गई है और प्रतिबंध लगाया गया है। तो अब देखा जा सकता है कि जो अब सोशल मीडिया के माध्यम से हम कई बार सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग्स देखते हैं कि कुत्ता इतना हमलावर हो गया कि किसी ने किसी को घायल कर दिया, किसी ने इतना ज्यादा उसको काटा कि वो जान से ही अपने हाथ धो बैठा है, तो इस तरीके से सीसीटीवी भयानक होते हैं, भयावह होते हैं और मन के अंदर एक शंका पैदा करते हैं कि ऐसे कुत्ते वाकई में भारत के अंदर प्रतिबंधित होने चाहिए। तो सरकार ने जो कदम उठाया है, होंगे तो शायद ऐसे मामलों में भी कमतरी देखने को मिले। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए शिवा। मनीष आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, शीरब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारी साझा करने के लिए। आवारा कुत्तों के आतंक को थामने के लिए आखिर गंभीरता कब निकलकर सामने आएगी जिम्मेदारों की, ये भी देखना होगा। इसी के साथ मुद्दे की बात में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।